हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 27 और 28 देखेंगे इस वीडियो में क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन अंडर रूट साइन 2x कोस 2x और क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, कोस एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, इनका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो देखो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x और कोस 2x है बाहर हमारा इनटू में dx, ये दे रखा है हमें। अब यहां पे देखो हमें पता है साइन 2x का कोस 2x होता है हमारा डिफरेंशिएशन, तो साइन 2x को पुट कर लो, पुट साइन 2x इज इक्वल टू क्या पुट कर लिया हमने, t पुट कर लिया। साइन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो गया, कोस 2x और 2x का 2 और x का dx इज इक्वल टू dt, तो कोस 2x dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt बाय 2 आ गया। वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन 2x मतलब अंडर रूट टी इंटू कोस 2x dx किसके इक्वल आ गया, dt बाय 2 के। अब यहां पे देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 इंटू dt बाय 2, तो 1/2 बाहर, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और प्लस में c, इसको ऊपर लेके जाओ तो 1/2 इंटू 2/3 और t की पावर 3/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ गया 1/3, टी की वैल्यू क्या थी साइन 2x, तो साइन 2x की पावर क्या हो जाएगी यहां पे 3/2 और प्लस में सी, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है, जिसको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, जिसके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, वो चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व आउट करेगा, इनको हलवा बना लेगा इन क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, इंटीग्रेशन कोस एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद देखते ही आपको पता लग जाएगा क्या पुट करें। देखो अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, यहां पे पुट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, हम टी पुट कर लेते हैं, 1 का 0 हो गया, साइन एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी के, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे क्या आ गया हमारा, डी टी अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स को टी मानना था तो यहां पे क्या हो गया, अंडर रूट टी आ गया। इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी की माइनस 1/2 हो जाएगा डी टी, और यहां पे क्या आ गया, टी की माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस में सी, तो यहां पे ऊपर क्या आ गया, टी की पावर 1/2 अपॉन में यहां पे 1/2 प्लस सी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 टी की पावर 1/2 प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, 2 इंटू t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस साइन एक्स इसकी पावर 1/2 प्लस सी, ये हो गया आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस में सी, ये आ गया आंसर। कोई भी आंसर हम यहां पे लिख के छोड़ सकते हैं, दोनों के दोनों आंसर हमारे क्या माने जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट माने जाएंगे। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की फील हो तो मुझसे पूछिए, व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। आप भी प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को सबको बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।